रही है सर्वनाम, यानी हम कल पढ़ रहे थे जो किसकी क्लास थी आपकी, सर्वनाम। सर्वनाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो हम देखेंगे आपके सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में बता चुकी हूँ, वे सभी नाम जो आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, वे सभी नाम जो आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी संज्ञा क्या है, नाम है, लेकिन यहाँ मैं शब्द बोली वे सभी नाम। नाम यानी ये नहीं कि मैं मेरा नाम रख दिया, ये नहीं, यानी आपके, मैं, हम, वह, ये सब क्या है, सर्वनाम है। और आपके इसको भाषा को सुदृढ़ और सुंदर बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाना जाता है। और संज्ञा शब्दों की बार बार जो आवृत्ति होती है उसको रोकने के लिए सर्वनामों का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ों को हम कल की क्लास में हम देख चुके थे। सर्वनाम, सर्वनाम प्रमुखता आपके 6 प्रकार के होते हैं। कल मैं ये बात आपसे चर्चा कर चुकी थी, सर्वनाम की जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था। मैंने बताया था आपको अनाप, अनाप, सनाप, मैंने ये 6 बता के गई थी। आ यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, पा यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, सा यानी संबंधवाचक, ना यानी निजवाचक, और पा यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम आ यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पता कर पढ़ चुके थे, यानी यहाँ पे कोई निश्चित बोध नहीं होता संज्ञा का, वो आपके क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ, कोई, ये शब्द क्या हैं आपके, अनिश्चयवाचक सर्वनामों के अंतर्गत आएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ हमें निसंज्ञावाची शब्दों का निश्चित बोध हो कि हाँ ये निश्चित है, तो वहाँ निश्चित सर्वनाम होंगे। ठीक है, आज चलेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर जो तीसरा हमारा चलेगा वो चलेगा हमारा पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। भाई पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी एक तो है वक्ता, वक्ता यानी कहने वाला, यानी मैं स्वयं, और एक है आप सुनने वाला, एक कौन है, सुनने वाला यानी आप, यानी मैं जो कह रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो आप तक डायरेक्ट पहुँच रहा है। तो आप कौन हुए, द्वितीय माध्यम हुए, क्या हुए, माध्यम हुए। मैं कौन हूँ, उत्तम, यानी मैं कौन हूँ, स्वयं करता हूँ, मैं कहने वाली हूँ, वक्ता हूँ मैं। वक्ता द्वारा कहे कथनों को जो सामने वाला सुनता है वो होता है आपका मध्यमावस्था। मैं कौन हूँ, उत्तमावस्था, और जो यहाँ मौजूद नहीं है, मान लें मैंने आपसे कोई बात कही, किसी बात पे चर्चा कही, वो बात आप तीसरे तक जो पहुँचा रहे हो, यहाँ पे जो मौजूद नहीं है, वो कौन होता है, आपका थर्ड पर्सन होता है, तीसरा माध्यम होता है, कह सकते हैं हम अन्य पुरुष होता है, यानी आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपके अन्य पुरुष। यानी एक तो होता है वक्ता, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है अन्य जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए इस मेरे जो शब्द बोले हैं इनको हम लिखित रूप में लिखते हैं, इनको क्रमबद्ध रूप में बांधते हैं, तो क्या होते हैं देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम
वे सर्वनाम जो वे सर्वनाम जिसका प्रयोग, यहाँ जिसका आएगा, जिसका प्रयोग वक्ता वक्ता या कह सकते हैं स्वयं कहने वाला वक्ता या स्वयं कहने वाला स्वयं के लिए एवं सुनने वाले तथा अन्य के लिए दोबारा सुनिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला यानी स्वयं के लिए एवं सुनने वाला तथा अन्य के लिए करता है वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक शब्द चीज सुनाऊंगी, समझाऊंगी। सुनने वाला जो मैंने शब्द लिखा है ये होता है आपका आमने सामने बैठकर आकर बात करना, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कौन हूँ, वक्ता हूँ, आप सुन रहे हो यानी आप मौजूद हो, और जो यहाँ पर मौजूद नहीं है वो कौन है? अन्य है। तो ये क्या हुआ? अन्य पुरुष की श्रेणी में आएगा। तो देखते हैं अन्य के लिए या सुनने वाले, यहाँ मैं एक चीज़ नोटिस करूँगी, इसको श्रोता, ये कौन है? श्रोता, सुनने वाले या कह सकते हैं हम श्रोता, तथा अन्य के लिए जो प्रयोग में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे स्वयं, जैसे कि हम मैंने लिखा आपके पास स्वयं, तो स्वयं के लिए क्या होगा भाई? स्वयं के लिए, जैसे स्वयं के लिए मैंने बोला स्वयं यानी वक्ता, अब इसमें क्या आएगा? मैं, मैंने मेरे लिए मुझे हमें हमको हमारा आदि, ये क्या है? आपके स्वयं के लिए कर्ता प्रयोग करता है इन शब्दों का प्रयोग, यानी मैं, मैंने, मेरा, मेरे, मेरे लिए, मुझे, हमें, हमको, हमारा, ये क्या होता है? कर्ता जो बात कह रहा है इन शब्दों का प्रयोग करेगा। फिर दूसरा जो आता है वो है आपके पास, जो दूसरा है वो है आपका श्रोता, यानी श्रोता क्या प्रयोग कर रहा है? सुनने वाला, भाई सुनने वाला शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तुम
तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे, आप, आपसे या फिर आपको, ये क्या कर रहा है, सुनने वाला प्रयोग कर रहा है आदि। फिर नंबर जो तीसरा आता है वो कौन है, अन्य, जो यहाँ पर आपके पास मौजूद नहीं है, जो नहीं हमारे मेरी और आपकी वार्तालाप को सुनना नहीं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मैं तुमसे कह रही हूँ कल गृह कार्य करके लाना, तो मैंने क्या बोला, मैं तुमसे कह रही हूँ, यानी तुमसे कह रही हूँ गृह कार्य करके लेके आना, तो ये कौन हुआ आपका, मध्यम, कौन सा, मध्यम पुरुष हुआ। मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष, मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष, आप कौन हो, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो ऐसे जो आते हैं यही क्या है आपके पास। फिर आता है अन्य, अन्य में वह, अन्य में वह, यह, वह, यह, उसे, उसे, उसको, उन्हें, उन्हें, उनको, उनसे, आदि। आदि, ठीक है, तो ये क्या होता है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा सुनिए मैं जो समझा रही हूँ। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, जब आता है वे शब्द आ गया या ये शब्द आ गया, ये पूछा जाता है कि इनमें से आपके सर्वनाम है, तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है। मैं इससे संबंधित, सर्वनाम से संबंधित आपको प्रश्नों को भी हल कराऊंगी, से आपको पता चलेगी आपके प्रकरण की गहराई के बारे में कि कितना आपके यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। परिभाषा मैंने बताया आपको, वे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता स्वयं, कहने वाला यानी स्वयं के लिए करता है, सुनने वाले के लिए करता है एवं अन्य के लिए करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं कौन करेगा भाई, मैं, मैंने, मेरा, मेरे लिए, मुझे, मेरे, तो ये शब्द क्या है आपके, और बहुवचन, ये जो हमें, हमको, हमारा, ये क्या है, बहुवचन रूप है। ये क्या है, एकवचन रूप है। तू, तुम, तुम्हारा, ये क्या है, एकवचन रूप है। दूसरा क्या है आपके, बहुवचन रूप है। तो ये सब क्या आते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को प्रमुखता, इसके जो उपभेद माने गए हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, तीन प्रकार के इसके उपभेद माने गए हैं, देखते हैं। पुरुष वाचक सर्वनाम के उप उपभेद, उपभेद देखिए कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष, जैसे कि मैं आपको भी बता ही चुकी हूँ। तो नंबर एक होता है वो है आपके पास उत्तम पुरुष। ये आपके कलर दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा इसको साफ कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके जो भेद होते हैं वो आपके प्रमुखता तीन प्रकार के माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद आपके तीन, पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके प्रमुखता
तीन उपभेद माने गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुखता। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुखता तीन उपभेद माने गए पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुखता तीन उपभेद माने गए हैं। भाई कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इस पे हम। तो इसके जो तीन उपभेद होते हैं वो होते हैं, नंबर एक आपके पास आएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष नंबर दूसरा आता है यहाँ पर मध्यम, मध्यम पुरुष। नंबर तीसरा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष तो यानी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके प्रमुखता हम तीन उपभेद मानते हैं। नंबर एक आता है आपके उत्तम पुरुष, नंबर दूसरा आता है आपके पास मध्यम पुरुष, और नंबर तीसरा जो है आपके पास है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, जैसे कि मैं भी आपको बता ही चुकी हूँ, उत्तम पुरुष होता है स्वयं कर्ता। कर्ता जो जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वो उत्तम पुरुष में आएगा। जहाँ पर आपके श्रोता सुनने वाला जहाँ आपके प्रयोग करता है जिन शब्दों का, वो आपके जिन सर्वनामों का, वो आपके मध्यम पुरुष में आएगा। और जहाँ आपके अन्य जो यहाँ मौजूद नहीं है उनका सर्वनामों का प्रयोग करेगा वो आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। चलो देखते हैं क्या होते हैं। चलिए देखते हैं, नंबर एक है आपके पास उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष नंबर एक, एक उत्तम पुरुष। चलिए वे सर्वनाम जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं कर्ता, स्वयं कर्ता कोष्ठक में कहने वाला, स्वयं कर्ता या कह सकते हैं कहने वाला, कहने वाला स्वयं कर्ता कहने वाला अपना संबंध किसी अन्य से बताने के लिए प्रयोग करता है, अन्य से बताने के लिए प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोबारा सुनिए, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं कर्ता या वक्ता कह सकते हैं, स्वयं कर्ता
या फिर कहने वाला, इसके लिए मैं एक शब्द और इस्तेमाल करूंगी, कहने वाला यानी वक्ता, अपना संबंध यानी अपने लिए अपने बात को कहने के लिए जिन शब्दों या सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है उसे आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम, उसे उत्तम पुरुष, उसे उत्तम पुरुष, यहाँ पे मैंने उत्तम पुरुष नहीं लिखा है, उसे उत्तम पुरुष उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया एकवचन रूप भी होता है इसमें, बहुवचन रूप भी होता है, यानी फर्स्ट पर्सन हम कह सकते हैं इसे, हम कह सकते हैं इसे फर्स्ट पर्सन यानी आपके कहने वाला, फर्स्ट पर्सन यानी पहला, वक्ता कहने वाला, फर्स्ट पर्सन यानी कहते वक्ता, वक्ता या कहने वाला। कहने वाला, अब इसमें कौन कौन से आएंगे भाई? भाई एकवचन रूप भी होता है यहाँ पर आपके, और बहुवचन रूप भी होता है। जैसे कि एकवचन, तो एकवचन, एकवचन में आएगा आपके पास, एकवचन में मैं, मुझे, मेरा, मेरे, मुझको, मुझको, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझसे, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा आदि का क्या करता है वो? प्रयोग करता है। क्या करता है? आदि का प्रयोग करता है। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरे द्वारा आदि का क्या करता है वो? प्रयोग करता है। फिर देखते हैं हम इसका बहुवचन, बहुवचन में क्या होता है? बहुवचन में हम हमें हमारे, हमसे, हमको, हमारे द्वारा, तो ये क्या है आपका उत्तम पुरुष के, ये क्या है आपके बहुवचन रूप है, ये उत्तम पुरुष के आपके बहुवचन रूप है। दोबारा देख लीजिए, ध्यान पूर्वक देख लीजिए भाई, उत्तम पुरुष क्या है? वक्ता। उत्तम के पुरुष क्या है? वक्ता। वक्ता यानी कहने वाला, यानी जो मैं कह रही हूँ, वक्ता कौन है? कह रहा है। मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। तो इसमें मैं, मेरे लिए मैं कहूँगी, मैंने तुम्हें गृह कार्य दिया था, मैंने, तो मैंने शब्द मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैंने। तो ये सारे शब्द क्या है, किस में आएंगे? आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा चलते हैं हम आपके मध्यम पुरुष, सेकंड जो है आपका मध्यम पुरुष, यानी इसको कहते हैं हम सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आपके, चलिए, मध्यम पुरुष जो
वह सर्वनाम, इसमें साले वह सर्वनाम जिसे वक्ता द्वारा कहे गए कथनों का सुनने या फिर श्रोता के रूप में प्रयोग करते हैं। दोबारा सुनिए, वे सर्वनाम जिसे वक्ता द्वारा कहे गए कथनों का सुनने के रूप में कार्य करते हैं या प्रयोग में लाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं मध्यम पुरुष, देखते हैं मध्यम पुरुष में कौन कौन आएंगे। भाई मध्यम पुरुष में नंबर एक, जैसे अब एकवचन रूप क्या है, एकवचन रूप भी होता है इसमें, एकवचन रूप क्या है इसमें जैसे कि तू, तुम, तू, तुम, तुमने, तुमने, तुझे, तुझको, आप, आपको, तुम, तुझे, तुझको, ये आपका बहुवचन रूप आ गए यहाँ, तुम्हारे लिए आदि। ठीक है, अब बहुवचन रूप क्या है यहाँ पर, बहुवचन रूप आप, आपको, आपसे, आप, आपको, आपसे, आपके द्वारा, ये क्या है, आपके बहुवचन रूप होते हैं। इनका प्रयोग यदि होगा किसी वाक्य में और पूछा जाए सर्वनाम कौन सा है, तो भाई बिना झिझके आप बोलोगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष है, और कौन सा है आपका एकवचन और बहुवचन। आगे देखते हैं अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम नंबर तीसरा है, ये हम उपभेद पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक के। इस सर्वनाम का प्रयोग, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य के लिए जो वहां मौजूद नहीं
जो वहाँ मौजूद नहीं है के लिए करता है, के लिए करता है उसे से अन्य पुरुष कहते जैसे, अब जैसे में भी इसमें भी आपके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होगा, इन दोनों के मध्य नहीं है। जैसे वह यह उसे उन्हें उनको उनसे आदि के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है थर्ड पर्सन, जो कि आपके यहाँ पे नहीं है। मैंने बोला भाई उनसे कह देना कि होमवर्क करके लाएं, उनसे कह देना। मैंने किससे बोला, आपसे कहला कहा, तो आप किससे बोलोगे भाई, उनसे बोलोगे जिस बच्चों ने, मान लो जिन छात्रों ने आज की छुट्टी की है, तो मैं उनसे कैसे बोलूँगी भाई, उन बच्चों से बोल देना जो आज क्लास में नहीं आए, यदि आपके पास संपर्क हो तो उनसे बोल देना कि कल गृह कार्य करके लेके आए। तो यानी ये कौन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, जो अपनी वार्तालाप में शामिल नहीं है। तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कर चुके हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपके थर्ड पर्सन, यानी अन्य पुरुष। तो यहाँ यह हुआ आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आज के लिए इतना ही, यहाँ से प्रश्न बनता है और ध्यानपूर्वक देखना, उदाहरणों को नहीं करवाए, केवल आप एग्जाम्पल देखवाए हैं, या कि जैसे मैंने, मैं मेरा, तो ये क्या है आपके फर्स्ट पर्सन है, सेकंड तू तुम तुम्हारा, ये क्या है थर्ड पर मध्यम पुरुष हैं, और आपके वह यह उसे उनसे उनको, ये क्या है आपके अन्य पुरुष हैं। तो ये वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। आज के लिए इतना ही, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।